तो ट्यूमर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी डिजोल्व करेगा, स्टोन बॉडी ने बनाया है बॉडी डिजोल्व करेगा। अगर बॉडी में ट्यूमर बनी गया है, बॉडी में शुगर एक्स्ट्रा है ही, बॉडी में हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ ही गया है, तो अब क्या करें उसको ठीक से निकालने के लिए, क्या करें? मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। किसी के पास पेन है, रिफिल वाला पेन आप में से दीजिए। अब देखिए, जो लोग एंजियोग्राफी कराते हैं या जो लोग एंजियोप्लास्टी कराते हैं, तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक कैथेटर या यू बोलिए एक तार आपके ब्लड वेसल में डाल देते हैं, इतना तो आपको पता है। और अगर आपके कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज टूट जाएगा, हट जाएगा, राइट। फिर एक वहां पे कोई स्टंट डाल देंगे, कोई रिंग डाल देंगे, तो ये आप ठीक हो गए ऐसा मानते हैं। अब मानिए इस तरह के तार और ये आपका ब्लड वेसल है और अंदर एक ब्लॉकेज है। अब जब ये बार बार जाएगा तो वो क्या टूटेगा ना, ये तो बोलते ही है। अब वो गार्बेज टूट गया है लेकिन गार्बेज बॉडी के अंदर ही है ना इस वक्त भी, तो क्या होगा, वो ब्लड में पूरे बॉडी में घूमेगा या घूमता है, और घूम के अक्सर वो ब्रेन में अटकता है, अब होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो जब भी आप सोचते हैं, डायग्नोस करके देख लेते हैं, एंजियोग्राफी करा के देख लेते हैं, तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक करवाने की। जो लोग यहां पे साइंस के स्टूडेंट हैं या इंजीनियर हैं, जो लोग लॉजिकल सोच सकते हैं, एक गार्बेज ऑलरेडी है, ब्लॉकेज है, उसको ऐसे ऐसे बार बार करेंगे तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, या तो टूट जाएगा। अगर वो टूट जाएगा तो पूरे बॉडी में वो ब्लड वेसल के अंदर ही है ना, गार्बेज बाहर तो निकला नहीं, राइट। तो अब वो जहां भी जाके फंसेगा आपका वो वाला ऑर्गन खराब होगा, काम नहीं करेगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा, मर जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं पता चलेगा, आपको बताएंगे नहीं, वो जो गार्बेज एंजियोग्राफी करने की कोशिश की गई थी उसी की वजह से ये एक नया प्रॉब्लम आ गई आपको। तो गार्बेज को बॉडी से बाहर अगर आपको निकालना है तो निकालने का रास्ता वही होना चाहिए जो कुदरत ने आपको दिया है, ना कि वो रास्ता जो इंसान ने बनाया है, काटने छाटने का नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह से गार्बेज हमारे हॉस्पिटल में हम निकालते हैं, आप घर जाके क्या करेंगे? अब देखिए, मान लीजिए ये पेड़ नहीं है, ये ट्यूमर है या ये कैंसर है और ये बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर बोल रहा है ट्यूमर इतना बढ़ गया है, ऐसा करते हैं ट्यूमर को काट देते हैं, ठीक है जी। मैं ट्यूमर को, ये पत्ते हैं, मैंने इसको काट दिया, ट्यूमर निकल गया। लेकिन अब क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या ट्यूमर खत्म हो जाएगा? ये पेड़ तो दोबारा से बढ़ेगा। तो कभी भी सर्जरी से कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ तो अभी भी है ना। जब भी आप स्टोन को निकालेंगे, ट्यूमर को निकालेंगे, पेड़ तो वही है, पेड़ को खाना तो मिल रहा है, वो ट्यूमरस ग्रोथ का कारण वो तो वहीं का वहीं है। तो जब भी आप सोचते हैं कि ट्यूमर है तो काट दे हम, तो पल भर के लगेगा देखो ठीक हो गया, लेकिन धीरे 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 दोबारा से बढ़ेगा, इस बार और तेजी से बढ़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो ट्यूमर हो या किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो आप अगर उनमें से की सर्जरी से कुछ कर लें तो आप ये सोच रहे हैं कि पेड़ ज्यादा बढ़ गया तो मैं काट लूं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा नहीं बढ़ेगा, तो आप कुछ ऐसे ही सोच रहे हैं फिर, जो कि इलॉजिकल बात है। तो करना क्या होगा, हम क्या करते हैं, अगर ये कैंसर है, इसे कहते हैं सीड एंड सॉइल थ्योरी, 1895 में थ्योरी लिखी गई थी और आज भी ये वैलिड है, कि अगर ये कैंसर है, अगर ये ट्यूमर है, ये पेड़ को हम कैंसर या ट्यूमर मान रहे हैं, तो अगर मैं यहां से ये निकाल दूं, कुछ दिन तक ऐसे ही रख रहे, क्या ये उग सकता है, ट्यूमर बढ़ सकता है, क्या होगा इसका? धीरे धीरे ये सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट पे वो ग्रो कर रहा था, उस एनवायरमेंट को बदल दो, चेंज कर दो उस एनवायरमेंट को। अगर आप ऐसा कर पाए तो ट्यूमर बॉडी ने बनाया है तो बॉडी डिजोल्व करेगा, स्टोन बॉडी ने बनाया है बॉडी डिजोल्व करेगा, तो वो परमानेंट इलाज है। तो ऐसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, आप कैसे करेंगे घर जाके आज से, तो वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताने जा रहा हूं। हम अपने हॉस्पिटल जो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके बॉडी ने ट्यूमर को निकालने का, जो चीज बॉडी को पसंद नहीं है, जो चीज बॉडी में अटक गई है, वो स्टोन है, ट्यूमर है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, शुगर है, प्रोटीन है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज अधिक है तो बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। तो पेशाब का रास्ता निकाला है जो फिर भी बंद हो गया, एक और रास्ता है, वो है आपकी तीसरी किडनी, थर्ड किडनी इज योर स्किन। आपका स्किन के जो पसीना आता है उसका एक बूंद लीजिए और पेशाब का एक बूंद लीजिए, दोनों केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगभग सेम मिलेंगे। आपके पसीने में भी क्रिएटिनिन होगा, शुगर होगा, प्रोटीन होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिया होगा, आपके पेशाब में भी यही होता है। तो
तो हम अपने हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट जो किडनी के पेशेंट है खास तौर पे, जिनके बॉडी में पानी जमा हो गया है, जो असली वाले पेशेंट हैं, जो बहुत कमजोर हो गए हैं, जिनकी पेशाब बंद हो गई है, जो हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस करना पड़ता है और ऐसा कई सालों से करते जा रहे हैं, जिनका आप आखिरी कगार पे आ गया ट्रांसप्लांट करना है, तो उनको हम क्या कराते हैं वो देखिए अगला। ये असली पेशेंट है, ये यूं ही नहीं बिठाया है, ये असली वाले पेशेंट हैं। ये हमारा जो हिम्स हॉस्पिटल है चंडीगढ़ का, ये सारे वो लोग हैं जो डायलिसिस कराते थे, तो हमने उनको ये गर्म पानी में बिठाया 40 डिग्री सेल्सियस, और पानी आप गौर करेंगे तो गले तक, अगर आपके गले तक पानी हो 40 डिग्री सेल्सियस पानी हो, इतना गर्मी हो, और ऐसा 2 घंटे तक आप बैठ पाए, तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। हमारे जयपुर हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, जबकि ये घर पे भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और ये सारे रियल किडनी पेशेंट जो ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे हैं, जो डायलिसिस कराते जा रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जोधपुर का हॉस्पिटल है और ये रियल पेशेंट है, देखिए थोड़ी सी उम्र के बच्चे हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस पानी, 2 घंटा बैठना, यहां तक पानी होना, तो आपने कुदरत ने जो आपको तरीके, आपके आउटपुट जो दिया है गार्बेज को बाहर निकालने का, आपने उसी को यूज किया, तो अब उसको यूज किया तो दैट इज अ परमानेंट क्योर। अच्छा, ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है? आपका मेरा इस वक्त जो ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सिर पे है, ये हमें पता है, लेकिन जितना हिस्सा पानी के नीचे है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ वाटर अबाउट 2% मोर, राइट, प्लस द हीट ऑफ द वाटर। जब ये केमिस्ट्री होती है तो बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट का 20% बढ़ जाता है, और ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, टांगों से हटता है ब्लड और यहाँ पे तेजी से घूमने लगता है, सारे मेजर ऑर्गन यहीं पे हैं, चाहे वो किडनी हो हार्ट हो, उसे वो रिपेयर करने लगता है। कुछ केमिकल बढ़ने लगते हैं जिनसे आपके ब्लड वेसल रिपेयर होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। कुछ हार्मोन कम होने लगते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो रहा था, जिससे आपकी तकलीफें बढ़ रही थी, ये ऑटोमेटिक होता है। और इसके अलावा ऐसा होते ही आपके बॉडी में जो सोडियम है उसकी एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाती है, पोटेशियम अधिक है तो वो डबल स्पीड से बाहर निकलने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपका वेट रिड्यूस हो जाता है पहले दिन, मतलब पहले दिन पानी के अंदर भेजने से पहले पेशेंट का हम वेट चेक करते हैं, वेइंग मशीन वहीं लगा रहता है, 2 घंटे बाद जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं दोबारा वेट चेक करते हैं, पेशेंट हैरान होता है कि मेरा वेट 1 kg कम कैसे हो गया, 500 ग्राम कम कैसे हो गया, ये वही वाला वेट है जो बॉडी में तकलीफ दे रहा था, जो पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था, ये वही वाला वेट है जो डायलिसिस से आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जो लोग हेल्दी भी हैं, आम सबके बॉडी में कुछ ना कुछ तो फालतू है ही, तो आप में से कोई भी अगर बॉडी पहले दिन बैठेंगे तो ऑन एवरेज 500 ग्राम वेट कम निकलेगा 2 घंटे बाद जब निकलेंगे वहां से। तो यानी कि जो चीज फालतू, और उसके बाद अगर आप अपना, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगेगा, जो हाई बीपी की गोलियां लेते हैं तब भी बीपी बढ़ता है, उन सब की गोलियां छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बीपी कब है ज्यादा, जब बॉडी में एक्सेस, जैसे बलून मान लो इमेजिन कीजिए, फुला रहे हैं अंदर अगर हवा भर रहे हैं तो एयर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो बॉडी में अगर फ्लूइड ज्यादा भर जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमने फ्लूइड एक्सेस चीज बॉडी से निकाल दिया, लेकिन निकालने का रास्ता वो जो कुदरत ने हमें दिया है, तो उस रास्ते से बिना डैमेज करके धीरे धीरे निकाल दिया, गार्बेज आउट प्रिंसिपल। ये पूरा साइंस अगर आपको समझना है तो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, जिसका हिंदी एडिशन आज हमने यहाँ पे आपके सामने रिलीज किया, हिंदी इंग्लिश में, आप इस लिंक में जाके पूरी किताब, पूरा साइंस, इसी पे मेरी PhD है, यही मेरा आविष्कार है जो हमारे 20 हॉस्पिटल में हम करते हैं, हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं।